भैया आरसीबी का जो गेंदबाज वो तो एक नंबर का मादरचोद, और दूसरा आरसीबी टीम का जो मैनेजमेंट वो तो एक नंबर का भोसरी वाला है। क्या जरूरी था यस दयाल और अंजारी जब जैसे चूतिया प्लेयर को खरीदने का और साले को दूसरा गेंदबाज नहीं मिला? लॉकी फर्गुसन, आकाशदीप, टॉम करन और रेस टॉपले जैसे गेंदबाजों को सालों ने बैठा कर रखा है। अब क्या करेगा हमारा किंग कोहली? अकेले दम पर आरसीबी टीम का स्कोर 182 रनों तक पहुंचा दिया और ये चूतिया गेंदबाजों ने 17 ओवर में ही मैच जितवा दिया। भैया बताइए तो ऐसे में कैसे जीतेगा हमारा आरसीबी टीम? देख कर भैया खून खोल रहा था, कितना मेहनत से हमारा किंग कोहली ने ये रन बनाए और ये चुतिया गेंदबाज सिराज यस दयाल और अंजारी जोशी ने रनों को बहाते गया। ऐसे रनों को बहाना था कि जैसे कि सालों को दहेज में मिला हो। रिंकू सिंह ने जब यस दयाल को 5 छक्का मारा तब आरसीबी टीम का जो मैनेजमेंट उसके आंखों में लगता है लकवा मार दिया होगा, इसलिए यस दयाल को अपनी टीम में शामिल किया। अगर आप भी हमारे पास से सहमत हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा मेरे दोस्त। साला सारा मूड कचरा कर दिया आरसीबी के गेंदबाजों ने। अब जो है आरसीबी के बल्लेबाजों को हर मैच में 250+ स्कोर रन करना होगा तभी मैच जीत पाएंगे भैया, नहीं तो ये भोसरी वाला गेंदबाज एक भी मैच जीतने नहीं देगा। इतना तीनों गेंदबाजों ने मार खाया तब भी आरसीबी टीम का जो मैनेजमेंट है वो तीनों को अगले मैच में नहीं बैठेगा। देखिएगा भैया, जब आरसीबी टीम का मैनेजमेंट नहीं खराब हो तब कहां से जीतेगा हमारा आरसीबी टीम? अगर भैया आरसीबी टीम में किंग कोहली नहीं रहता तो हमारा आरसीबी का मैच भी नहीं देखते बहनचोद को। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।